बीएसपी से होकर अपनी अलग नई पार्टी बनाने वाले अशोक सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें कई सीटों पर वो कई पार्टियों का गेम बिगाड़ सकते हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अशोक सिंह खुद जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे। यूपी के जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, लखनऊ ईस्ट, गौतम बुद्ध नगर, सदर आजमगढ़, गाजियाबाद और मिर्जापुर से पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। अभी इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारे कैंडिडेट उस योग के होने चाहिए, सबसे बड़ी चीज, और मेरी जो छवि है लोगों के दिमाग में जानी चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैंने जो पार्टी बनाई है, दो चीजें देखी जाती है, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो कौन है, उसकी विचारधारा क्या है, दूसरा कैंडिडेट, दो चीजें देखी जाती है। तो मैं पूरे देश में दौड़ रहा हूँ, मैं अपनी बातों को रखने का आपके मीडिया के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ, जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, और कैंडिडेट इस चीज को लेके प्लस अपनी चीज को लेके वो लोकसभा में अपने कार्य क्षेत्र में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोगों तक पहुंचाने का, मेरी बात को अपनी बात को पहुंचाने का काम करेगा, भारत वर्ष कैसा होना चाहिए ये बताने का काम करेगा। अशोक सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को टिकट देने का काम किया है, जिन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।